अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आज आपको सिखा रही हूँ पराठा का डो, रोटी का डो, मतलब जो आटा बनेगा गूंदना है हमने, रोटी का आटा कैसे गूंदना है और चपाती फुलका जो आप उसको कहते हैं, और पराठा भी जो हम इससे बनाएंगे, जैसे मूली वाला पराठा, आलू के का पराठा, कीमे का पराठा, वो इसी डो से बनेगा। तो मैं आपको ये सिखाती हूँ आज के ये डो कैसे है। जब भी कोई आपको मैं पराठा बनाना सिखाऊँ जो क्रिस्पी नहीं हो, ये है कि अगर आपको पर्थी पराठा बनाना है तो उसकी मेरी रेसिपी अलग है, उसका डो अलग है। लेकिन अगर आपको घर की आम चपाती और पराठा, सादा पराठा बनाना है तो उससे ही वो इस आटे से बनेगा ना, डो से। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमें क्या क्या चाहिए। ये मैंने आटा लिया है, आटा आपकी मर्जी है कि आप कितना भी लें, मतलब एक कप लें, दो कप लें, चार, इसमें कोई हार्ड मतलब कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप इतना ही ले लीजिएगा। तो बस आपने ये करना है कि इसके अंदर सॉल्ट जो होगा वो पिंच ऑफ सॉल्ट डालना है, ज़्यादा नमक इसमें नहीं जाएगा। बस दो चुटकियाँ मैंने इसमें नमक डालिए और आप इसको गर्म नॉर्मल वाटर पानी से इसको गूंद लें। नमक, इसको नमक डालने के बाद, नमक मैंने सॉल्ट डाल दिया इसके अंदर, अब इसको आप नॉर्मल वाटर से गूंद लें, मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद फिर हम हाथ से इसको करते हैं। पानी थोड़ा सा करके जब डालिएगा कि ये ना हो कि ज़्यादा पानी हो जाएगा, तो फिर आपको इसमें आटा जो है वो और ऐड करना पड़ेगा। इस वजह से थोड़ा थोड़ा करके आटा पानी डालें इसके अंदर। चमचे से ये होगा कि स्पून से करने से कि आपका आटा सारा पहले गीला हो जाएगा, सारा बीच में आ जाएगा, फिर आप हाथ से आराम से कर लीजिएगा। वरना अगर स्पून से नहीं करना तो कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट हाथ से कर लें। और इसको जब आपने रोटी बनानी हो तो उसे एक घंटे पहले, मैक्सिमम एक घंटे पहले, आधे घंटे पहले गूंद के रखें ताकि ये ठहर जाए, नरम हो, मतलब सही सॉफ्ट हो जाए। ताज़ा आटे की रोटी ना पकाएं तो अच्छा है, वो टूट भी जाती है, फट भी जाती है रोटी पकाने में। तो पहले आप इसको गूंद के थोड़ी देर रख दें, उसके बाद फ्रिज में रख दें आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, जो भी आपके पास टाइम है, मगर रखना ज़रूरी है। ये ना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ना बहुत सॉफ्ट, मीडियम, मतलब नॉर्मल आपका आटा हो। अभी मैंने स्पून से हटा लिया है। ऐसे इस तरीके से मुक्की लगाइएगा, इसमें मुक्की लगेगी तो आटा उतना अच्छा गूंदेगा। दोनों हाथों से लगाएं तो दोनों हाथों से लगाएं। मिक्स कर लेते हैं सारे को ऐसे, इस तरह ही सारा खुशकाना। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, ज़्यादा पानी हो जाएगा तो आटा पतला हो जाएगा। पानी की बोतल में एक पानी भर के रख लें ताकि आपको थोड़ा थोड़ा डालना हो तो डाल दी जाए। सॉल्ट ज़्यादा नहीं डालिएगा इसमें, बस बिल्कुल चुटकी, 1 पिंच 2 पिंच, बस इससे ज़्यादा नहीं, एक दो चुटकियों से ज़्यादा नहीं सॉल्ट। देखिए अब ये सारा हमारी खुश्की जो है वो ड्राई होती जा रही है, इसमें गूंदी जा रही है और वो उसके साथ लगी जा रही है आटे के साथ ना।
मतलब आपने यूँ हाथ बंद करना है, यूँ हाथ बंद करके ऐसे ऐसे इस करते हैं। एक्सरसाइज भी जी अच्छी हो रही है, हाथों की आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। आटा गूंदने से अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। देखिए अब हमारी जितनी भी खुश्का था वो ड्राई हो चुका है इसके अंदर ही। देखिए पानी में बहुत थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। देखिए इतना पानी डाला है क्योंकि अब हमारा ड्राई तो हो गया है सारा, बस को सारे को समेटना है। अब इसको इधर करते हैं और इधर डालती हूँ ताकि जो इधर खुश्की है हमारी आटा है वो भी ड्राई हो जाए, साथ साथ चिपकता जाएगा तो आप अपने हाथों से उसको हटाते जाएं। ये मैंने हाथ यूं ही रखा हुआ है, अंगूठे को अंदर करके उंगलियों से करें। कहते हैं कि जितनी अच्छी इसकी मुक्की लगी हुई हो आटे की उतना अच्छा आटा तैयार होता है। अब इसको सारे को बीच में करते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ताकि नीचे चिपके नहीं। इतना सा देखें डॉट डाल रही हूँ मैं, दो तीन कतरे पानी के डालने के बाद इस सारे को उठाएं ऐसे फेंकें। ऐसे करने के बाद फिर आप इसको उठाएं इधर से इधर करें, फिर उसको उठा के इधर करें। जो भी साइडों में लगा हो उसको साफ़ कर लें क्योंकि नीट होगा तो हर चीज़ भाई सफाई पे वो होती है कि आप उसको सफाई किस से सफाई से वो करें। और ज़रा सा पानी लगा के ऊपर ज़रा सा गीला करके लग गए, अब इसको कवर कर दें। ये देखें हमारा आटा जो है रेडी हो गया। इसको मैक्सिमम आप आधा घंटे तक के लिए कवर करें, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने फ्रिज में रख दिया था आधे घंटे के लिए, आधे घंटे बाद देखें ये इसका ऐसा रिजल्ट आएगा, आपका आटा ना स्मूथ हो जाएगा और सॉफ्ट रहेगा। ये देखें तो इसको अब मैं कोई भी पराठा आपको सिखाऊँगी या कोई और डो मतलब पराठा कोई भी अंदर फिलिंग करके पराठे के अंदर रोटी चपाती सादा पराठा बगैर लच्छे वाला वो इससे बनाएंगे हम, वीट क्या वीट से ना। ब्राउन आटा है ये मेरा और वाइट वाला आटा नहीं है, अगर आपके पास वाइट वाला आटा है तो वाइट वाला यूज़ कर लें, मैंने ब्राउन वीट लिया हुआ है। तो इसी तरह बनाएंगे और आप जी दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को देखिएगा, पसंद कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।